अंकल, अगर हमारे मामू अपनी बहन के साथ नाइंसाफी ना करते और जायदाद में से उनको इनका हिस्सा दे देते तो आज हमारे हालात ही मुख्तलिफ होते। सही कह रही हो। अगर ऐसा हो जाता तो वाकई तुम लोगों के हालात बदल जाते हैं। मगर बेटा, दूसरों की मदद पर इनसार करके अगर खुद मेहनत न की जाए तो कामयाबी नहीं मिलती। अगर तुम्हारी बहन अरूसा माशाल्लाह बहुत काबिल, मेहनती और हसास बच्ची है। घर वालों के लिए परेशान होना उसका बनता है। सही कह रहे हैं अंकल, लेकिन रूसा से ज्यादा मैं परेशान हूं। इसीलिए तो आप लोगों को बार बार तंग करती रहती हूँ ना। वो मैं चाह रही थी कि केस का फैसला जल्द अज जल्द आ जाता और हमें हमारे पैसे मिल जाते। क्यों, आपके ससुराल वालों का आपके ऊपर प्रेशर है? नहीं नहीं आंटी, मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। वो दरअसल मेरा भाई कुछ नहीं करता, वो पैसे मिल जाएंगे ना तो अपना कारोबार कर लेगा। अब्बू भी बहुत बीमार रहते हैं और अम्मी की सिलाई से तो घर का गुजारा हो ही नहीं पाता, तो बहुत ही मजबूर हैं हम लोग। मैं आप लोगों की मजबूरियों को समझ सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस केस को जल्द निपटा दूं। वैसे ये जो जोया है ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तर्जमान बनकर दिन रात मेरे कान खाती है। ये तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है। इकलौती बेटी है आपकी, लेकिन बहुत समझदार है माशाल्लाह। हमें तो अपनी अरूसा की तरह ही लगती है, हमारी अपनी बहन। थैंक यू आपी। आपी आज अरूसा यूनिवर्सिटी नहीं आई और आज उसका जॉब का इंटरव्यू भी था, वो वहां भी नहीं पहुंची। अच्छा, पता नहीं, मेरी तो उससे बात नहीं हुई। तुम कॉल करके पूछ लो। मैंने तो बहुत बार फोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, शायद फोन चार्ज नहीं होगा। वैसे यहाँ से मैं घर ही जा रही हूँ तो मैं पता कर लूंगी। हाँ, थैंक यू।